हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था जस्ट एक दो वीडियोस पहले। उसके बाद हमने रिग्रेशन मैट्रिक्स कवर किए। नाउ दिस इज अ गुड टाइम टू लर्न अबाउट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। उसी के बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन के बारे में बताया था कि उसके तीन मेन टाइप्स होते हैं। सो वन ऑफ देम इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन, द सेकेंड वन इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, एंड द थर्ड वन इज पॉलिनोमियल रिग्रेशन। सो हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन के बारे में कोई बात नहीं की थी बिकॉज वो थोड़े आगे का टॉपिक है। हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात की थी कि अगर आपके पास कभी भी इस तरह का डेटा सेट है कि आपके पास सिर्फ एक इनपुट कॉलम है और एक आउटपुट कॉलम है और आपका आउटपुट कॉलम इज ए न्यूमेरिकल कॉलम, तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन का केस हो जाता है। यहाँ पर आप क्या करते थे, जस्ट अ क्विक रिविजन, आप यहाँ पे एक्स क्वांटिटी को प्लॉट करते थे, यहाँ पे वाई क्वांटिटी को प्लॉट करते थे और आप देखते थे कि इन दोनों क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप लीनियर जैसा है कि नहीं। अगर लीनियर जैसा होता था तो आप एक लाइन ड्रॉ करते थे जिसको आप बेस्ट फिट लाइन बोलते थे, और बेस्ट फिट लाइन ही आपका रिग्रेशन लाइन होता था। और इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, विच इज एम एक्स प्लस बी। सो बेसिकली आपको m और b फाइंड करना होता था, और वो कैसे फाइंड होता है ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में देखा। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि व्हाट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सो मल्टीपल रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन का केस तब आता है जब आपके पास एक ऐसा डेटा सेट हो जब आपके पास इनपुट में एक से ज्यादा कॉलम्स होते हो। जैसे कि आई विल गिव यू वन एग्जांपल, लेट्स से आपके पास एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है और फिर y है। तो x1, x2, x3 ये तीन कॉलम्स आपके इनपुट कॉलम्स हैं या फिर इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, और जो y है ये आपका डिपेंडेंट कॉलम है, आउटपुट कॉलम है। अब यहाँ पे ये एक केस है जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई होगा। सो एक जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में ये एग्जाम्पल लिया था कि सी जी पी ए इनपुट था और लैक्स पर एन एम हमारा आउटपुट था। यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्म वर्जन कुड बी कि आपके पास सी जी पी ए का इंफॉर्मेशन भी है, आपके पास जेंडर का इंफॉर्मेशन भी है, आपके पास आई क्यू का भी इंफॉर्मेशन है और फिर आपको एल पी ए प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा डिस्टिंक्शन है, यहाँ पे और कुछ खास समझाने का नहीं है। सो अगर आपके पास कभी भी एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं इनपुट में, दैट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। एंड ऑनेस्टली ज्यादातर टाइम्स जब आप रियल वर्ल्ड डेटा पे काम करोगे आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली आपके पास जो डेटा आएगा उसके इनपुट में एक से ज्यादा कॉलम्स होगा। ठीक है, तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि फिर हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्यों पढ़ा, जब इतना यूजफुल है ही नहीं तो पढ़ा क्यों। इसलिए पढ़ा क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो आपने सीखा वो एज इट इज एप्लीकेबल है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। सो होता क्या है कि अगर आप लोअर डायमेंशन में चीजों को सोच पाओ, समझ पाओ, तो आप उसको हायर डायमेंशन में विजुलाइज कर सकते हो। दैट इज वाई मैंने आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाया और अब मैं आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, या फिर आप इसका उल्टा ये बोल सकते हो कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज जस्ट अ स्पेशलाइजेशन ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मतलब अगर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एक वेरिएबल का हो तो वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है तो क्या करना पड़ता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत सिंपल है, आप एग्जैक्टली वही करते हो जो आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन में करते हो। जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स, मैं एक्स थ्री को हटा रहा हूँ और यहाँ से मैं जेंडर को हटा रहा हूँ। सो मतलब मेरे पास जो डेटा है वो ऐसा दिखता है, एक्स वन, एक्स टू, वाई। मेरे पास दो इनपुट कॉलम्स हैं, एक आउटपुट कॉलम है, और इसको अगर हम थोड़ा समझने के टर्म्स में बात करें तो सी जी पी ए हमारा एक्स वन है, आई क्यू हमारा एक्स टू है और एल पी ए हमारा वाई है। ये डेटा सेट हमारे पास है। क्यों मैंने एक कॉलम हटा दिया, क्योंकि मैं आपको 3D में दिखाना चाहता हूँ। हम ह्यूमन बींग्स मैक्सिमम 3D में देख सकते हैं, ये डेटा 4D हो जाता, और 4D हो जाता तो मैं आपको दिखा नहीं पाता कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सो सी द फंडा इज वेरी सिंपल। आप फिर से क्या करोगे, आप डेटा को प्लॉट करोगे। इस बार आप इसको एक 3D ग्राफ में प्लॉट कर रहे हो। ठीक है, आप इसको 3D ग्राफ में प्लॉट करोगे। आई एम नॉट वेरी गुड एट 3D लेवल पे ड्रॉ करना। ठीक है, आप ऐसे ड्रॉ करोगे, दिस इज योर सी जी पी ए, दिस इज योर आई क्यू
एंड दिस इज योर एलपीए, ठीक है। अब फिर से आपको क्या करना है, सोचो अगर आपको 1D में, सॉरी 2D में आप एक लाइन ड्रॉ करके प्रेडिक्शन कर रहे हो, तो उसका इक्विवेलेंट 3D में क्या हो सकता है? आई गेस आपको समझ में आ रहा है, इट वुड बी अ प्लेन। सो आप 3D के केस में क्या करोगे, आप एक प्लेन ड्रॉ करोगे जो कि इस पूरे डेटा को काटेगा। सो आप ऐसे समझो कि इस प्लेन के कुछ पॉइंट्स ऊपर होंगे, कुछ पॉइंट्स नीचे होंगे। मतलब अपने रूम को इमेजिन करो, उस रूम में पॉइंट्स हवा में है और आप क्या कर रहे हो, एक फ्लैट शीट से पूरे के पूरे पॉइंट्स को काट रहे हो। एंड द होल आइडिया इज कि वो जो शीट है, वो जो फ्लैट शीट है, वो सारे पॉइंट्स के बहुत क्लोज रहने का ट्राई करेगी। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ शीट्स, आप बहुत तरह से शीट्स रख सकते हो। आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ एक्सेप्ट माय ड्राइंग बोर्ड, सो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ शीट्स, राइट। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस 3D प्लेन में किसी भी तरह का शीट हो सकता है। बट आप एक ऐसा शीट या एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करने का ट्राई करोगे जो सारे पॉइंट्स के बहुत क्लोज रहेगा, ठीक है। सो दैट इज द होल आइडिया जब आप 3D में काम कर रहे होते हो। और 4D में भी आपको इमेजिन करना है कि अगर आप 4D में हो, मान लो आपके पास एक और कॉलम होता है इनपुट में, तो ये डेटा 4D में चला जाता, तो 4D में आपके पास जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं हाइपर प्लेन, हाइपर प्लेन। 5D में भी इसको हाइपर प्लेन बोलते हैं, ND में भी इसको हाइपर प्लेन बोलते हैं, ठीक है। सो अब बात यह आती है कि मैथमेटिकली इक्वेशन क्या निकाल रहे हैं हम लोग। सो अगर आपको याद होगा तो हमने 2D में जब काम कर रहे थे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, तो हम ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, y इज इक्वल टू mx प्लस b, ठीक है। और हमें निकालना क्या था, m और b। इसी को जब आप 3D में लेके आओगे तो इक्वेशन बन जाता है y इज इक्वल टू, इस बार आपके x, मतलब आपका y सिर्फ x पे डिपेंड नहीं कर रहा, अब आपका y x1 और x2 दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो आप लिखोगे mx1 प्लस nx2 प्लस b। थोड़ा सा और कंसिस्टेंट बिहेवियर के लिए आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो इसको ऐसे, b के बदले आप लिखते हो बीटा नॉट। ये मैं थोड़ा सा आपको लिटरेचर समझा रहा हूं। उसके बाद आप लिखते हो β1 x1 प्लस β2 x2। ये रहा गाइज आपका इक्वेशन प्लेन का, ठीक है। मतलब अब इस केस में आपको तीन चीजें निकालनी है, आपको बीटा नॉट का वैल्यू निकालना है, आपको β1 का वैल्यू निकालना है और आपको β2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो m था वो अब β1 हो गया, और जो आपका b था वो β0 हो गया, और एक एक्स्ट्रा टर्म β2 आ गया क्योंकि हमारे पास एक एडिशनल कॉलम है, ठीक है। अब सोचो अगर मेरे पास 4D में डेटा होता तो मैं क्या इक्वेशन सर्च कर रहा होता, मैं ये इक्वेशन सर्च कर रहा होता, β0 प्लस β1 x1 प्लस β2 x2 प्लस β3 x3। और इस केस में मैं चार चीजें निकालने का ट्राई करता, β0 β1 β2 एंड β3, ठीक है। अब आप इसको इजिली एक्सटेंड कर सकते हो टू एन डायमेंशनल डेटा सेट, जहां पे आपके पास n इनपुट कॉलम्स हैं, वहां पे आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे y इज इक्वल टू β0 प्लस β1 x1 प्लस β2 x2 ... प्लस βn xn, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे β0 प्लस σi इज इक्वल टू 1 से n βi xi। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा n डायमेंशन में, बट कॉन्सेप्ट सेम है। अगर आपका n का वैल्यू 1 है तो फिर आप इसको बस 1 डायमेंशन में लिख दोगे, y इज इक्वल टू β0 प्लस β1 x1, विच इज दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन हो गया। तो लीनियर रिग्रेशन में यही करते हो आप इस इक्वेशन में जो कोफिशियंट्स होते हैं उसको निकालने का ट्राई करते हो। एक अगर आपके पास इनपुट कॉलम है तो 2 कोफिशियंट्स निकलेंगे, 2 इनपुट कॉलम्स है तो 3 कोफिशियंट निकलेंगे, 3 कॉलम्स है तो 4 कोफिशियंट निकलेंगे। सो अगर आपके पास n कॉलम्स है तो आप n+1 कोफिशियंट्स फाइंड आउट करते हो यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से एक थोड़ा ह्यूमनली इंटरप्रिटेशन देता हूँ चीजों का। ये मैंने आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी दिया था कि अगर आपके पास n कॉलम्स हैं तो आपका जो हाइपर प्लेन है उसका इक्वेशन, चलो हाइपर प्लेन की अभी बात नहीं करते, लेट्स टॉक अबाउट 3D इक्वेशन। तो आपका इक्वेशन हो जाता है β1 x1 प्लस β2 x2, और यहाँ पे x1 क्या है, CGPA,
और x2 क्या है iq, तो आप इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हो। और बाय द वे y आपका क्या है LPA, तो अगर आपको किसी भी स्टूडेंट का LPA वैल्यू कैलकुलेट करना है और अगर आपके पास बीटा नॉट बीटा वन और बीटा टू है ट्रेनिंग करने के बाद, तो ये इक्वेशन बस इतना है कि आप बीटा वन को मल्टीप्लाई कर दोगे CGPA से और बीटा टू को मल्टीप्लाई कर दोगे IQ से। दिस इज द इक्वेशन। किसी भी नए बच्चे के लिए अगर मुझे पता करना है उसका पैकेज कितने का लगेगा, तो मुझे बस उसका IQ चाहिए, CGPA चाहिए, बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू का वैल्यू चाहिए और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोफिशियंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये कोफिशियंट्स आर लाइक वेट्स, दीज कोफिशियंट्स आर लाइक वेट्स। जैसे कि बीटा टू इस इक्वेशन में क्या बता रहा है, बीटा टू ये बता रहा है इस इक्वेशन में कि LPA कैलकुलेट करने में IQ का कितना वेटेज है। सो अगर बीटा टू बहुत ही कम है तो इसका मतलब है कि LPA को कैलकुलेट करने में IQ का उतना जरूरत नहीं है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि LPA का जो वैल्यू है वो IQ पे उतना डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगर बीटा वन का वैल्यू बहुत ही कम है तो आप बोलोगे कि LPA कैलकुलेट करने में CGPA की उतनी जरूरत नहीं है, या फिर LPA CGPA के ऊपर उतना डिपेंड नहीं करता। अगर बीटा वन इज ग्रेटर देन बीटा टू तो आप बोलोगे कि LPA निकालने में CGPA का वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू IQ। ये वेट्स आपको बता रहे हैं कि आपका कौन से इनपुट कॉलम ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि ये बीटा नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, सो दिस बीटा नॉट इज ऑफसेट। सो कल को अगर आपका CGPA भी जीरो है IQ भी जीरो है तो LPA का क्या वैल्यू होगा, वो इस ऑफसेट से डिसाइड होता है, इंटरसेप्ट वैल्यू से। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट वैल्यू आपका हायर डायमेंशन में भी रहता है। ठीक है, सो मैं एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा देखने के लिए, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ही एक वीडियो का लिंक डालूंगा कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन और रादर हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ हाइपर प्लेन इन n dimensions। ठीक है, वो वीडियो आप थोड़ा सा देखना, वो वीडियो आपको बहुत पर्सपेक्टिव देगा कि हायर डायमेंशन में लाइंस कैसे बिहेव करती हैं। ठीक है, प्लीज वॉच दैट वीडियो। ओके, सो दैट्स इट गाइस, दिस इज व्हाट लीनियर रिग्रेशन इज। आपको एट द एंड क्या करना है, आपको एक हाइपर प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो आपके सारे पॉइंट्स के क्लोजेस्ट होके गुजरे। ठीक है, जो आइडिया आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा था एग्जैक्टली उस आइडिया को आप एक्सटेंड कर दो। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे टॉपिक को मैं तीन अलग अलग पार्ट्स में कवर करूंगा। इस पार्ट में मैंने बेसिक इंट्यूशन दिया और मैं आपको एक कोड रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको पूरा स्क्रैच से मैथमेटिकल मॉडल बना के दिखाऊंगा कि कैसे आप ये बीटा नॉट से लेके बीटा एन तक का वैल्यू कैलकुलेट करते हो स्क्रैच से पूरा का पूरा। और जो थर्ड वीडियो होगा उसमें हम स्क्रैच से खुद का एक क्लास बनाएंगे जो कितने भी डायमेंशनल डेटा के ऊपर लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो तीन पार्ट्स में हम ये चीज पढ़ेंगे एंड ऑनेस्टली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट लाइक बहुत इजी तरीके से, मेरे को लगता है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बस इस वीडियो में एक चीज और कर रहे हैं हम लोग, और वो ये है कि हम लोग एक कोड के थ्रू जो भी हमने देखा अभी उसको चला के देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू द ब्राउजर। सो गाइज, दिस इज द कोड, और यहाँ पे यू कैन सी कि मैंने एक डेटा सेट खुद से बनाया है, मैंने कोई डेटा सेट उठाया नहीं किसी और का, मैंने खुद से एक डेटा सेट बनाया यूजिंग दिस फंक्शन कॉल्ड मेक रिग्रेशन। ये scikit-learn के अंदर एक फंक्शन आता है, इसको यूज करके आप कितना भी डायमेंशन का लीनियर रिग्रेशन डेटा सेट जनरेट कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड एक बार जाके आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखो और इसका यूसेज समझो। ठीक है, सो मैंने क्या किया है, मैंने 100 रोज का एक डेटा सेट जनरेट किया है जिसमें दो इनपुट कॉलम्स हैं और एक आउटपुट कॉलम है। मतलब इस डेटा का जो शेप है वो होगा 100 रोज 3 कॉलम्स। 3 कॉलम्स क्यों, 2 कॉलम इनपुट 1 कॉलम आउटपुट। ठीक है, तो ये मेरा डेटा सेट है, उस डेटा सेट को मैंने जानबूझ के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया सो दैट मैं आपको दिखा पाऊं कि क्या चल रहा है। ठीक है, इनफैक्ट एक काम करता हूँ, मैं साथ साथ में रन करता हूँ सो दैट आप देख पाओ। सो ये रहा मेरा डेटा फ्रेम, सो दिस इज द डेटा फ्रेम। अगर मैं आपको शेप निकाल के बताऊं तो द शेप वुड बी
100.3 जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। सो ये रहा मेरा फीचर वन, ये रहा मेरा फीचर टू और ये रहा मेरा टारगेट वेरिएबल, ठीक है। तो ये 3D में आ गई है बात और ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का एग्जांपल है, ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये पूरा डेटा 3D में दिख कैसा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये एक लाइब्रेरी यूज किया है, प्लॉटली, बहुत फेमस लाइब्रेरी है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा भी पढ़ना हो, ऑल्दो बहुत सिंपल है, बट अगर आपको पढ़ना है तो मेरे चैनल पे आपको इसका एक घंटे का वीडियो मिल जाएगा, एक घंटे या दो घंटे का वीडियो, वहां पे मैंने स्क्रैच से प्लॉटली पूरा समझा रखा है। आई ट्राई टू पुट अ लिंक, मतलब मेरे को खोजना पड़ेगा, बट आई पुट अ लिंक ओवर देयर, ओके। सो मैंने जब इसको प्लॉट किया 3D में, तो ये रहा डेटा गाइस हमारे पास। सी, दिस इज द डेटा 3D में, दिस इज द डेटा। मैं थोड़ा इसको रोटेट करके दिखाता हूँ। सी देखो, आपका ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये ऊपर जो जा रहा है ये z एक्सिस है, और ये आपका डेटा अलाइंड है। सो यू कैन सी एक लीनियर सॉर्ट ऑफ, मतलब अपने रूम को इमेजिन करो। अगर आपको इस डेटा सेट को अच्छे से परसीव करना है, समझना है, तो अपने रूम को इमेजिन करो, जहां भी बैठ के आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप वहां पर इमेजिन करो कि पॉइंट्स ऐसे फ्लोट कर रहे हैं हवा में, और आप एक्सिस इमेजिन करो कि ये फीचर वन है, ये फीचर टू है, और ऊपर जो जा रहा है दैट इज आवर टारगेट फीचर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक प्लेन ड्रॉ करना है, एक शीट ड्रॉ करना है जो सारे पॉइंट्स के एकदम क्लोज होकर के गुजरे, ठीक है। तो हमें खुद प्रैक्टिकली खुद से कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, हम सिंपली पूरा का पूरा जो फ्लो हमने पहले भी पढ़ रखा है उसको यूज करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट विल डू इज विल डू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, बिकॉज हमें बाद में एक्यूरेसी वगैरह निकालना होता है, नॉट एक्यूरेसी, आर टू स्कोर निकालना होता है, मीन स्क्वायर एरर निकालना होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होता है। तो मैंने इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने लीनियर रिग्रेशन वाली क्लास को इंपोर्ट किया, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और उसके बाद इस स्टेप में मैंने मॉडल को ट्रेन किया। lr.fit मैंने अपना x train दिया, मैंने अपना x test दिया, y train दिया, और मेरा मॉडल ट्रेन हो चुका है। इतना फास्ट क्यों ट्रेन हुआ, बिकॉज बहुत कम डेटा है हमारे पास। और फिर मैंने क्या किया, lr.predict में x test पास करके अपना yprint कैलकुलेट किया, और yprint को यूज करके मैंने अपना मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर और R2 स्कोर निकाला, और यू कैन सी द आउटपुट इज कमिंग आउट टू बी समवेयर अराउंड 71, ठीक है। मतलब ये दोनों इनपुट कॉलम्स मिल करके 71% वेरियंस एक्सप्लेन कर पा रहे हैं मेरे टारगेट कॉलम का, ठीक है। 33 मेरा MAE है, 1659 मेरा मीन स्क्वायर्ड एरर है, क्योंकि वो स्क्वायर के टर्म्स में आता है तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। अब आगे का कोड गाइस इस पॉइंट पे आप इग्नोर करो। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को बहुत दिमाग लगाना पड़ा ये कोड लिखने के लिए, एंड इस पॉइंट पे आई वुड हाईली डिस्करेज यू, ट्रस्ट मी, हाईली डिस्करेज यू, अभी मत पढ़ो इन चक्करों में, बस एंजॉय करो जो विजुअलाइजेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, मैंने उस प्लेन को ड्रॉ किया। मैंने आपको फर्स्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाले वीडियो में रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करके दिखाया था, सिमिलरली यहाँ पर 3D में वो लाइन एक प्लेन बन जाएगा। बस वो प्लेन को ड्रॉ करने के लिए मैंने सारा का सारा कोड लिखा है, जस्ट इग्नोर इट, अभी मत ध्यान दो कि इसके अंदर का कोड क्या है, लॉजिक क्या है, बस आउटपुट पे फोकस करो। दिस इज द आउटपुट गाइस। सी, दिस इज द आउटपुट। सो ऊपर हमने देखा था वो पॉइंट्स, ये देखो, ये रहा वो प्लेन, देखो यही, इसको एकदम अपने अंदर बसा लो कि 3D ऐसे काम करता है। सी, कुछ पॉइंट्स ऊपर है, कुछ पॉइंट्स नीचे है, और ये प्लेन क्या ट्राई कर रहा है, ये प्लेन ट्राई कर रहा है आपके पॉइंट्स को काटने में, और काट के सारे पॉइंट्स के एकदम क्लोजेस्ट रहने का। एंड दैट इज व्हाट लीनियर रिग्रेशन डज इन हायर डायमेंशन। सी, ठीक है, ये नोटबुक मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा, आपका काम होगा कि इसको देखो, और कुछ नहीं करना, आपको बस देखना है, और ट्रस्ट मी, जब आप इन चीजों को देखते हो तो विजुअलाइजेशन से आपको बहुत समझ में आता है, जितना आपको स्टेबल लाइक स्टैटिक इमेज समझ में नहीं आएगा, उससे बहुत ज्यादा आपको इस तरह के विजुअलाइजेशन समझ में आएगा, ठीक है। सो यू कैन क्लियरली सी कि हाउ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज वर्किंग इन द केस ऑफ 3D डेटा, ठीक है। ऑब्वियसली मैं इससे हायर डायमेंशन में आपको एग्जाम्पल नहीं दे सकता था, क्योंकि फिर ये ग्राफ प्लॉट नहीं हो पाता, बट आई वुड एनकरेज यू कि आप कैगल या किसी और वेबसाइट से हायर डायमेंशन का डेटा उठाओ, 5 इनपुट कॉलम्स या 10 इनपुट कॉलम्स या 50 इनपुट कॉलम्स, और उसके ऊपर रिग्रेशन अप्लाई करके देखो, ठीक है। दैट वुड गिव यू सम सॉलिड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो दिस इज अ ब्रिलियंट विजुअलाइजेशन, जब मैंने इसको ड्रॉ किया आई रियली फेल्ट नाइस कि काफी सही चीज बन गई।
सो या अब एक लास्ट चीज जो मुझे आपको दिखानी है वो ये है कि अगर आप एल आर डॉट लिखो कोएफिशिएंट, एल आर डॉट कोएफिशिएंट अगर आप लिखो तो इस बार आपको दो नंबर्स दिखाई देंगे. लास्ट टाइम हमने जब कोएफिशिएंट लगाया था हमें सिर्फ एम का वैल्यू मिला था, इस बार ये बीटा वन है ये वैल्यू और ये वैल्यू बीटा टू है, ठीक है. और इस बार भी अगर आप एल आर डॉट इंटरसेप्ट निकालो तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दिखाई देगा, दिस इज योर बीटा नॉट, दिस इज बीटा नॉट, दिस इज बीटा वन, दिस इज बीटा टू. अगर आप और ज्यादा इनपुट कॉलम्स लेते, मान लो तीन इनपुट कॉलम्स लेते तो आपके पास बीटा थ्री भी होता, ठीक है. सो दैट्स इट बिहाइंड द सीन्स, दिस इज द ज्योमेट्रिक इंट्यूशन, दिस इज द इंट्यूशन ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. अब अगले वीडियो में हम लोग इसके पीछे का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन स्क्रैच से बिल्ड करेंगे और देखेंगे कि ये वैल्यूज कैलकुलेट होती कैसे है, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.